हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दें। और आज हम आए हैं रटोल गांव, दिल्ली से लगभग 15-20 किलोमीटर दूर है। तो आज हम छोटे से आउटिंग पे आए हैं, थोड़ा शॉर्ट डे आउटिंग। यहां पे हम मस्त खेत में चिकन बनाएंगे, ट्यूबवेल पे नहाएंगे। और आप भी हमारे साथ देखना, आप देख सकते हो चारों तरफ खेत हैं। ये देखिए क्या बढ़िया रास्ता है। आपने सोचा नहीं होगा कि दिल्ली के आसपास भी ऐसा रास्ता हो सकता है, बढ़िया खेत। ये देखिए रटोल का बोर्ड लगा है, पहुंच चुके हैं हम। और अब हम यहाँ पर जाएंगे खेत में। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अपने खेत पे, आप देख सकते हो। ये तो छोटी ट्यूबवेल है, अभी दूसरे खेत पे जाएंगे हम, बड़ी ट्यूबवेल है जहाँ। और ये देख सकते हो आप, काम चल रहा है, चारों तरफ खेत ही खेत है। दिल्ली से बस 20 किलोमीटर दूर है, यकीन नहीं होता ना, लेकिन हाँ दिल्ली के पास भी खेत हैं, बढ़िया। रटोल गांव उस साइड पेरिफेरल दिख रहा है, जो अगर आपको गाड़ियां दिख रही हो तो बागपत में पड़ जाता है। यहाँ सब तैयारी चल रही है चिकन बनाने की। ये हमारे शेफ लगे पड़े हैं, देखो आप, बढ़िया यहाँ काम चल रहा है। हमें पसीना चढ़वा, इसकी भी ले ले। ले लिया यो, फेमस हो जाएगा तू। लौंडे तू फेमस है आज से, बड़ी जल्दी बड़ी जल्दी। ये देखिए यहाँ हमारी ट्यूबवेल चल चुकी है और यहाँ चिकन धोने का काम शुरू हो गया है। अगर प्याज कट रही थी, यहाँ चिकन धुल रहा है, देख सकते हो आप। हमारे राजू भाई साहब हैं, तो बहुत अच्छे से चिकन बनाते हैं। रटोल गांव के अंदर ही ट्यूबवेल लगी हुई है। और यहाँ पे हमारी चिकन की तैयारी शुरू हो गई है। देखिए तेल में भी काली मिर्च जा रही है। ये भी हम बाहर चूल्हे पे बनाएंगे चिकन, तो यहाँ से प्याज भून रहे हैं हीटर पे, देख सकते हो। ये चिकन है, मान जाओ। और अब सॉल्टे हो चुकी है काली मिर्च, अब जा रही है प्याज। आप देख सकते हो पूरी भगोना भर के प्याज है, क्योंकि चिकन भी बहुत है हमारे पास, 6 किलो। ये देखिए अंदर हमारी प्याज भून रही है, और यहाँ ये हमारा देसी चूल्हा तैयार हो रहा है ईंट लगा के। एक सेकंड रुक जाओ, ये हमारे प्याज और अभी कर रहे हैं, देख रहे हो त्यागी जी उधर चले गए। और बस अभी चूल्हा तैयार होने वाला है हमारा, पूरा मस्त चलेगा यहाँ। ये देखिए चूल्हे में आग लग चुकी है, बड़ी मुश्किल से लगी हमने आग लगाई है। हवा क्योंकि बहुत तेज चल रही है, आप देख सकते हो। ये देखो यहाँ हमारे खीरे, टमाटर, गाजर, प्याज, सारा माल तैयार है। ये देखिए वापस अंदर आ गए हम, उधर हमारा चूल्हा था बाहर, वापस अंदर आए हैं रूम में। और प्याज और काली मिर्च जो डाली थी पूरा भुनना शुरू हो गई अच्छे से। हीटर हमारा स्लो चल रहा था, इसलिए हमने यहाँ पे चूल्हा लगा लिया, देख सकते हो आप। और ये चूल्हे पे हमारा शुरू हो चुका है काम, प्याज हमारी भुन चुकी है, देख रहे हो आप। तेल और पूरे मटर की एक पूरी टिक्की डाली है, देसी चूल्हा, बटर और तेल। देखो ये चिकन, एक पीस नीचे चलाइए, और एक चिकन हमारा पूरा बटर में फ्राई हो रहा अच्छे से। बटर देख सकते हो आप, एक बटर की टिक्की जा चुकी है, एक रखी है जो और जाएगी। ये देखिए काफी हद तक हमारा फ्राई हो चुका है चिकन, देख सकते हो आप। देसी चूल्हे पे देसी चिकन, देख सकते हो।
हवा बहुत तेज थी इसीलिए हमें यहाँ खाट लगानी पड़ी। हवा इतनी तेज चल रही है। ये गया जिंजर गार्लिक का पेस्ट। ये गई हरी मिर्च। ये जिंजर गार्लिक पेस्ट जा चुका है। हमारा गलना शुरू हो गया है। बहुत बढ़िया आग लग रही है अब तो। नमक गया, हल्दी गई, हींग गई। ये गया चंकी चाट मसाला। ये गई इसमें चिकन मसाला। ये गया इसमें दही। ये गए यहाँ इसमें टमाटर। बस फाइनल स्टेज पे हमारे चिकन बनने की। ये गई इसमें प्याज हमारी जो भूनी थी हमने घेर लिया। मसाले बंद मत करना कोई। और ये चिकन हमारा रेडी है एकदम। ये देखिए दोस्तों, हम लोगों ने खाना पीना खाना शुरू कर दिया है। और एकदम बढ़िया तरह से चिकन वगैरह सलाद आप देख रहे हो। थोड़ी देर में चावल भी आ जाएंगे। एकदम खाना एकदम खेतों के बीचों बीच आप देख सकते हो। यहाँ ट्यूबवेल चल रहा है, चारों तरफ खेत हैं। पेड़ के नीचे बैठे हैं हम छाया में। दोस्तों आप देख सकते हो दिन के 2:30 बजे हैं अभी और मौसम कितना सुहाना हो चुका है। एकदम ऐसा लग रहा है बादल आने वाले हैं, बारिश हो सकती है। और हम लोगों का जो हमने अपना लंच कर लिया है, जो चिकन हमने चूल्हे पे बनाया था पूरा खा लिया है एकदम मस्त रोटी चावल के साथ। और यहाँ आप देख सकते हो ईंटों के भट्टे भी हैं काफी, एक हमारे सामने ही है ये देखिए। और ये त्यागी भाई हैं जिनकी ये लोकेशन है जहाँ पे हम हैं। इन्हीं का ट्यूबवेल और खेत है सब कुछ। वहाँ से लेके खेत दिखाओ, देखो कितने बड़े पूरे जितने भी ये खेत हैं सब त्यागी भाई के। देखो इधर वहाँ तक सड़क तक ये देखिए। ट्यूबवेल में कुछ लोग नहा भी लिए, लेकिन हम अभी बड़े ट्यूबवेल पे जाएंगे, वहाँ पे नहाएंगे हम लोग। बड़ी ट्यूबवेल पे नहीं जाओगे, बड़ी होदी पे जाओगे। बड़ी होदी ट्यूबवेल उतना ही है, होदी बड़ी है, यहाँ होदी छोटी है आप देख सकते हो। होदी में ऐसी बनाऊंगा यहाँ से यहाँ तक ऐसे। अगली बार ये पूरा मौसम एकदम बढ़िया हो चुका है। दिन के टाइम मस्त मौसम हो रहा है। दिन में कॉल कर रहे हो तो दिख ही नहीं रहे हैं। ये देखिए अच्छा वीडियो बना रहे हैं। कुत्ता भी है, कुत्ता भी है। कुत्ते तो अपनी सबसे ज्यादा मौज कुत्ते ही ले रहे हैं साले। दोस्तों हम जा रहे हैं अपने दूसरे वाले खेत की तरफ जहाँ पे ट्यूबवेल है हमारी। आप देख सकते हो बगल में हमारा जो है ईस्टर्न पेरिफेरल चल रहा है और चारों तरफ हमारे खेत है। आप देख सकते हो ये रास्ता है खेतों में होके हम लोग निकल रहे हैं। ये देखिए पूरी धूल उड़ रही है और यहाँ ट्रक्स चल रहे हैं पेरिफेरल पे। देखिए हम लोग पूरा 12-15 लोगों का ग्रुप है हमारा। ये देखिए हम जो है आ चुके हैं अपने ट्यूबवेल के पास और यहाँ ये मिर्ची का खेत है और सारे के सारे मिर्ची तोड़ने में लग गए हैं। और बस आपको दिखाने के लिए मैं रुक गया, मैं भी जा रहा हूँ मिर्ची तोड़ने। आप देख सकते हो चारों तरफ खेत हैं, इधर पेरिफेरल है। देखिए ये देखिए एकदम मिर्ची के पेड़ हैं ये, एकदम जबरदस्त चारों तरफ बहुत मिर्ची आ रही है। ये देखो मिर्ची एकदम खेत की तोड़ी हुई, पूरी तोड़ने में लगे हुए हैं सबके सब। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने दूसरे खेत पे, हमारे दोस्त के मतलब हमारे नहीं हमारे दोस्त का है। ये दोस्त जो जा रहा है इसी का खेत है सुंदर भाई। और ये तो निकल गए ट्रैक्टर लेके कहीं काम से, इनको जरूरत है। और हम लोग यहाँ खेत पे हैं, आप देख सकते हो ट्यूबवेल चल रही है
कितनी बड़ी औदी है यहाँ पर, कई लोग साथ में नहा सकते हैं। ये देखो आप ट्यूबवेल चल रहा, चारों तरफ खेत हैं। और मैं आपको बता दूं दिन के 3:16 हो रहे हैं सिर्फ, और आप देख सकते हो मौसम कितना मस्त है। मौसम बहुत ही जबरदस्त हो रहा है एकदम, ऐसा लग रहा है शायद बारिश आ जाए। हम सब लोगों की बाइकें खड़ी हैं, यहाँ बाइक का ही रास्ता है इसलिए हम बाइक से आए हैं, गाड़ी से नहीं आए। लोगों ने खेत बो रखे हैं, आप देख सकते हो पूरा पानी लगा हुआ है, धान बोया हुआ है लोगों ने, धान है, गन्ना है, मिर्ची का खेत मैंने आपको दिखाया है, और भी लोगों की ट्यूबवेल है सामने आप देख सकते हो, एक और है ये ट्यूबवेल, देख सकते हो आप सब लोग यहाँ मस्ती ले रहे हैं। मैं आपको दिखाने के चक्कर में भी बाहर हूँ, उसके बाद मैं भी जा रहा हूँ इसी औदी में मस्ती लेने के लिए ट्यूबवेल में, मस्त मजा आने वाला है आज। चिकन हम पूरा खा के आ चुके हैं, पर अभी भी हमारे पास चावल बचे हुए हैं और पनीर भी है हमारे पास, जो हम रेडीमेड खरीद के लाए थे, चिकन हमने बनाया है। आप देख सकते हो पूरा मस्त, दिल्ली से सिर्फ 20-25 किलोमीटर की दूरी पे है ये, रतौल गांव के आसपास, तो दिल्ली वाले लोग अच्छे से मजे ले सकते हैं। अगर आपके जान पहचान वाले किसी का खेत है तो सही है, वरना आप किधर भी आओगे तो ये लोग मना नहीं करते हैं। वैसे आप किसी को भी आके थोड़े बहुत पैसे दे के या मजे कर सकते हो अच्छे से, ये है कि बंदे का अपना बिजली का खर्चा निकल जाए, उसके बाद आप यहाँ मजे ले सकते हो ट्यूबवेल वगैरह में पूरे। ये देखो सब मजे ले रहे हो, और अब मैं भी जा रहा हूँ यहाँ पे मजे लेने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हो पूरे यहाँ पे मजे चल रहे हैं, बिंदास मड बाथ ले रहे हैं लोग। ये देखिए पूरा ट्यूबवेल में मस्त नहा रहे हैं, और पूरा मड बाथ भी लिया जा रहा है, मैंने भी पूरा मड बाथ लिया। देखिए पूरा मस्त मजा है यहाँ पे। आप किसी भी खेत में जाके, अगर आपके जान पहचान का खेत नहीं भी है तो आप रिक्वेस्ट करोगे तो कोई मना नहीं करने वाला। दिल्ली के पास रतौल गांव के पास है हम एकदम, पूरा मस्त मजा है आप देख सकते हो। ट्यूबवेल में नहाओ, मड बाथ लो, पूरे मजे करो, खेत में चिकन बनाओ, देख ले, एंजॉय करो पूरा। दोस्तों अब हम निकल लिए हैं नहा धो के एकदम बिंदास, और अब हम जा रहे हैं वापस, आप देख सकते हो खेतों के बीच में से रास्ता है। दोस्तों खेतों से हम आ चुके, शाम के बज चुके हैं, आप देख सकते हो 5:42 हो चुके हैं, पूरा नहा धो के मस्ती लेके आ चुके हैं, और हमने यहाँ पे लिए हैं फ्रेश आम। ये देखो आप पूरी डिग्गी मेरी भरी हुई है, ये तोरई तो हमने खेत में से तोड़ी हैं, आप देख रहे हो खेत में से तोड़ी हैं तोरई, और मिर्ची तोड़ी है, और ये आम लिए हैं यहाँ पे बहुत ही सस्ते में रतौल से, सिर्फ 20 रुपये किलो, और एकदम फ्रेश आम है ये पेड़ के। और ये देखो इसके नीचे मिर्ची लगी हुई है, ये भी खेत में से तोड़ी हुई है, पूरी डिग्गी भर दी है आम तोरई और मिर्ची से। और अब हम लोग यहाँ से वापस जाने वाले हैं, हमारी डे ट्रिप खत्म है पूरी, बिंदास अपन निकल रहे हैं यहाँ से। और दोस्तों अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, हम लोग 7 बजे तक अपने घर भी पहुँच जाएंगे दिल्ली में, सिर्फ 20 किलोमीटर है ये, देख सकते हो आप टिपिकल गाँव है, गाँव की सड़क है अंदर, और सिर्फ दिल्ली से 20-1 किलोमीटर है, तो आप लोग भी यहाँ पे आ सकते हैं अपनी आउटिंग करने, बहुत ही बढ़िया लोकेशन है ये रतौल गांव। आप कहीं भी ट्यूबवेल वगैरह देखें तो घुस जाने, कोई मना नहीं करता है यहाँ पे, थोड़े बहुत चार्जेस लेंगे तो। और हम लोग भी निकल रहे हैं, हम मिलेंगे आपसे किसी अगले ब्लॉग में, दिल्ली की अगली आउटिंग में किसी। टेक केयर, बाय बाय।